रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। सावन मास पूर्णिमा को मनाए जाने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है। इस त्यौहार का प्रचलन सदियों पुराना है। पौराणिक कथा के अनुसार इस त्यौहार की परंपरा उन बहनों ने रखी जो सगी बहनें नहीं थी। राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयास किया तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। भगवान ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल भेज दिया। तब राजा बलि ने अपनी भक्ति से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया और भेंट में अपने पति को साथ ले आईं। उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी। महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी उंगली में चोट आ गई। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। यह सावन मास की पूर्णिमा का दिन था। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपकार का बदला चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर चुकाया। एक अन्य प्रसंग के अनुसार रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा अपने राज्य पर हमला करने की सूचना मिली। रानी ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने राखी की लाज रखी और बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध कर कर्मावती के राज्य की रक्षा की। कहा जाता है कि सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के शत्रु पुरु को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को नहीं मारने का वचन लिया। पुरु ने बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया।